देखिए वक्त बदल गया है और वक्त के साथ साथ डिमांड भी बदल गई है। नमस्कार, मेरा नाम मानव है और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स नाइन। और डिमांड सेफर कार की हो रही है। एक सेफ गाड़ी की तलाश हर कोई करना चाहता है, लेकिन क्या आप जिस गाड़ी में घूम रहे हैं वो सेफ है, या जो अगली गाड़ी आप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं? ठीक है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हाल ही में सिट्रोन C3 एयरक्रॉस का, E-C3 एयरक्रॉस का जो इलेक्ट्रिक वाली आती है, उसका क्रैश टेस्ट हुआ और उसको 0 स्टार मिले ग्लोबल एनकैप रेटिंग में। तो इसको बारी बारी से समझते हैं। पहली बात तो क्या है, ग्लोबल एनकैप रेटिंग होती क्या है? बेसिकली ग्लोबली गाड़ियों को टेस्ट किया जाता है। GNCAP एक संस्था आप इसको मान के चलिए, जो कि गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करती है और उनकी क्रैश वर्दीनेस के ऊपर उनको रेटिंग देती है। ये रेटिंग किस तरह से तय की जाती है? गाड़ी के अंदर डमीज को बैठाया जाता है, उनको एक फिक्स स्पीड के साथ दौड़ाया जाता है, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अलग अलग रफ्तारों से दौड़ा के उसके बाद उसको क्रैश किया जाता है और फिर इंपैक्ट पॉइंट्स को चेक करते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर कितना इंपैक्ट आया। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि टाटा सफारी का क्रैश टेस्ट करना है, तो टाटा सफारी गाड़ी के अंदर पिछली सीट पर बच्चे के डमी को बैठाया जाएगा, आगे की सीट पर एडल्ट डमीज को बैठाया जाएगा, गाड़ी में चारों तरफ सेंसर लगाए जाएंगे और उसके बाद इसको एक स्पीड के साथ टकराया जाएगा। तो जब ये गाड़ी टकराई गई तो उसके बाद देखा जाएगा कि इसके जो इंपैक्ट पॉइंट्स थे उसके ऊपर जब झटका लगता है तो कैबिन के अंदर कितना उसका असर देखने को मिलता है। तो एडल्ट सेफ्टी और चाइल्ड सेफ्टी यहाँ से नापी जाती है। गाड़ी चाइल्ड के लिए भी सेफ होनी चाहिए, एडल्ट के लिए भी सेफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एडल्ट सेफ्टी में किसी को 5 स्टार मिले, चाइल्ड सेफ्टी में 0 मिल जाए तो गाड़ी सेफ मानी जाएगी। और ऐसा भी नहीं हो सकता कोई गाड़ी चाइल्ड सेफ्टी में 5 स्टार हो और एडल्ट सेफ्टी में 0 हो तो भी वो गाड़ी सेफ नहीं मानी जाएगी। आपको दोनों ही कैटेगरीज के अंदर पॉइंट स्कोर करने होते हैं, अगर आप वो पॉइंट स्कोर नहीं करते हैं तो गाड़ी आपकी सेफ नहीं मानी जाती है। यही हुआ सिट्रोन E-C3 एयरक्रॉस के लिए। एडल्ट सेफ्टी और चाइल्ड सेफ्टी दोनों के अंदर उनको बहुत कम पॉइंट्स मिले, जिसकी वजह से उनकी ग्लोबल एनकैप रेटिंग 0 हो गई। इसके साथ में और भी सारे एनकैप होते हैं, अभी हम भारत एनकैप की भी शुरुआत कर चुके हैं। भारत एनकैप इंडिया के अंदर होने वाला क्रैश टेस्ट है और इसकी भी रेटिंग सामने आनी शुरू हो गई है। भारत एनकैप के अंदर टाटा की गाड़ियों को टेस्ट किया गया और उनकी 5 स्टार रेटिंग मिली। लेकिन आपने सुना होगा कि पीछे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को ऑस्ट्रेलियन एनकैप के अंदर 0 रेटिंग मिली। उसके पीछे भी एक कारण है, ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई भी क्रैश टेस्ट होता है तो उसके लिए जरूरी है कि गाड़ी के अंदर एडास होना चाहिए, क्योंकि स्कॉर्पियो एन में एडास नहीं आता। तो गाड़ी पूरी तरह से भले ही सेफ क्यों ना हो लोगों के लिए, उसके बावजूद भी उसको एनकैप में 0 रेटिंग दी गई, क्योंकि माना जाता है कि एडास एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है। अब इसके साथ बात करते हैं कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में जो इंडिया में मिलती है लेकिन उनकी सेफ्टी रेटिंग 0 स्टार, 1 स्टार या 2 स्टार है, यानी कि ना बराबर है। इसके अंदर सबसे ज्यादा गाड़ियां जो है वो मारुति की लिस्ट होती है। मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो जो है उसको भी 0 स्टार रेटिंग मिली हुई है, यानी कि गाड़ी अगर खुदा ना खास्ता कभी टकराती है तो इसके अंदर किसी के भी बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मारुति की इको भी एक 0 स्टार रेटेड कार है। वहीं पर ऑल्टो, वैगनार, बलिनो जैसी गाड़ियां भी 0 स्टार रेटिंग के साथ आती हैं। रेनो की डस्टर को भी स्टार रेटिंग में कुछ खास नंबर अभी तक नहीं मिलते हुए आए थे। वहीं पर हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस को भी 2 स्टार मिले थे ग्लोबल एनकैप रेटिंग के ऊपर। हालांकि हुंडई ने 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए गाड़ियों के अंदर एज अ सेफ्टी फीचर, इससे सेफ्टी रेटिंग पे फर्क तो नहीं पड़ता लेकिन हाँ, गाड़ी सुरक्षित ज्यादा जरूर हो जाती है। तो खैर, आपकी क्या राय है, एक ऐसी गाड़ी लेना चाहेंगे आप जो माइलेज अच्छी दे, सस्ती हो या फिर सेफ और सुरक्षित हो? ये बात कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा तो वो भी आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं। अच्छे मानव बने। जय हिंद करें।